आज बात करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए हमने पहले बात की थी। एक तो होता है नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट के अंदर क्या होता है, नेचुरल सैटेलाइट है जैसे कि आप अर्थ का एग्जांपल लीजिए, उसके अराउंड क्या है, जो मून है वो घूमता रहता है, यानी कि चांद जो है एक ऑर्बिट के अंदर घूमता रहता है। तो ये जो मून है ये नेचुरल सैटेलाइट है, तो N.S हम इसको लिख देते हैं, नेचुरल सैटेलाइट है। इसी तरह से कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमारे पास होते हैं, जिस तरह से अभी जो है चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, इस तरह के जो हमने प्रोजेक्ट भी किए हैं, इस तरह से कुछ सैटेलाइट्स होते हैं जो आर्टिफिशियल, जो मैन मेड होते हैं, वो जो है इन जो आपके प्लैनेट हैं या आप इनकी तरफ जो घूमते हैं। अब ये नेचुरल सैटेलाइट जो है उनके उनसे पास होते हैं। मान लीजिए अर्थ के अराउंड आपने घूमने वाला एक और सैटेलाइट जो है आपने बना दिया, तो इस तरह से जो सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों तरफ रोटेट करेगा, जो मैन मेड है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। और इस सैटेलाइट से जो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, इससे पास होगा, यानी कि इससे जो है अर्थ के बिल्कुल पास होगा, ये वो इनकी दूरी ज्यादा होगी। अब इन सैटेलाइट्स का यूज क्यों किया जाता है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं ये हमें वेदर की इंफॉर्मेशन देते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, टेलीविजन और जो रेडियो सिग्नल होते हैं उनमें हेल्प करते हैं। तो इस कारण से जो ये सैटेलाइट्स हैं, ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो बनाए जाते हैं, और ताकि ये क्या है हमारी मदद कर सकें और हम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे सकें। इंडिया ने कई सारे जो हैं लॉन्च कर चुका है जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। सबसे पहला जो सैटेलाइट था जो इंडिया ने लॉन्च किया था वो था आर्यभट्टा। तो आर्यभट्टा जो एक आर्यभट्ट आप इसको बोल सकते हैं, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट था। और इसी तरह से जो अदर इंडियन सैटेलाइट है, इनसेट का अगर नाम लें तो वो भी लॉन्च कर चुके हैं, IRS लॉन्च कर चुके हैं, इसी तरह से कल्पना 1 भी लॉन्च कर चुके हैं, और इसी तरह से EduSat भी लॉन्च कर चुके हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो है सैटेलाइट जो है इंडिया लॉन्च कर चुका है। तो इस तरह से देखिए ये जो सैटेलाइट्स होते हैं, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, जो रिवॉल्व करते हैं, तो ये क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में, और जो आपके टेलीविजन है, रेडियो है, वेदर फोरकास्टिंग है, इन चीजों का अनुमान लगाने में भी ये हेल्प करते हैं। तो ये था हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञानलोक पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।